Students, I am faculty of Sandipani High Secondary School. In my last video, I started chapter number 4, Basic Geometrical Ideas of Class 6th. ठीक है, और मैंने आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो हमारा चैप्टर है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट थी, बेसिक चीज़ें थी ज्योमेट्री की, वो मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ. मीन्स आई टॉट टू यू लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, एंगल, है ना, टाइप्स ऑफ एंगल, आइसोसेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन टू यू. फोर अप टू 4.2 वी कम्प्लीटेड. आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, वो हम स्टार्ट करेंगे 4.3 हम आई थिंक कल कर चुके हैं 4.3, आज हम करेंगे 4.4, है ना. 4.3 बेस्ड ऑन एंगल पे थी, वो हो चुकी है, अब हम करेंगे 4.4 स्टार्ट करने के पहले वो जो एक्सरसाइज है वो ट्राइंगल पे बेस है. तो हमको उसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, है ना. ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के बारे में हम कब से जानते हैं आपको पता है, हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास में ही ट्राइंगल ड्रॉ करने लग गए थे. अब हम बोले ट्राइंगल क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर. या ट्राइंगल की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है पता है बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. ट्राइंगल ऐसा फिगर होता है जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट्स होते हैं, है ना. जैसे कि अब हम इसको नाम दे दें, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर हमने दे दिया ए. मीन्स हमारा फर्स्ट लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं ए बी, सेकेंड लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं बी सी, और थर्ड इज़ व्हाट, ए सी. ठीक है, मीन्स इट इज़ अ थ्री लाइन सेगमेंट. इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर वेयर थ्री लाइन सेगमेंट्स आर देयर. अब हम आगे बात करें ट्राइंगल की. ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है, थ्री होती है ना, 1, 2, 3. ठीक है, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती है, इट हैज थ्री साइड्स. हाउ मेनी साइड्स आर देयर, थ्री साइड्स. उसी तरह हम इसके कॉर्नर्स की बात करें, कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, इट हैज थ्री साइड्स एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, थ्री कॉर्नर्स. क्योंकि यदि साइड थ्री है तो कॉर्नर्स भी कितने होंगे, थ्री होंगे, है ना. अब हम यहाँ पे बात करें, देखो साइड की बात करें ट्राइंगल को, उसको देखो आप, ट्राइंगल को ए बी, फर्स्ट हमारा हो गया ए बी या बी ए, तो बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम. सेकेंड इज बी सी, सेकेंड साइड हो गई हमारी बी सी, है ना, और थर्ड साइड हो गई हमारी ए सी. ओके, उसके बाद हम आते हैं कॉर्नर्स. कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं. वर्टेक्स भी, ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको, और कॉर्नर भी बोल सकते हैं, नो इशू, है ना. ए बी सी, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री कॉर्नर्स. ठीक है, कल मैंने आपको कुछ और भी बताया था, जैसे कि हमने एंगल बनाए थे, एंगल के बाद हमने क्या बनाए थे, उसके एक्सटीरियर पॉइंट भी बनाए थे एंगल में, और इंटीरियर पॉइंट भी बनाए थे कि नहीं. एक्सटीरियर का क्या मतलब समझाया था मैंने आपको, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, आउटसाइड, और मैंने बोल दिया एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द फिगर, है ना. मतलब या कोई भी आप पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट आप ले लो, बट वो एक्सटीरियर है, मतलब आपका जो फिगर है उसके बाहर होगा. और मैंने बोला इंटीरियर, तो अब वो आपके फिगर के अंदर होगा. जैसे ये ट्राइंगल दे के रखा है ना, आई टोल्ड टू यू, और आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दिस थिंग, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ द फिगर, इंटीरियर मीन्स इनसाइड द फिगर. अब हम फिगर में अगर इसको शो करें, तो मैं आपको बोलती हूँ कि पुट वन पॉइंट एक्सटीरियर, एनी एक्सटीरियर पॉइंट पुट इन द फिगर. एक्सटीरियर पॉइंट बनाना है फिगर में, ये बन गया एक्सटीरियर पॉइंट पी, फिगर के बाहर एक्सटीरियर. एक पॉइंट आप क्यू बनाइए, वो इंटीरियर होना चाहिए फिगर के. इंटीरियर होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए. अंदर मतलब ये बन गया हमारा क्यू. ठीक है, तो दिस पॉइंट इज एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. अंडरस्टैंड. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4, है ना. ये पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, ट्राइंगल पे बेस्ड है. हम एक्सरसाइज में ओनली टू क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मार्क अ पॉइंट पी
इन इट्स इंटीरियर, है ना, एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। आपको पता है मैंने अभी आपको इसीलिए समझाया है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर मींस होता क्या है। इंटीरियर मतलब इनसाइड द फिगर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड द फिगर। रफ स्केच बनाना है आपको ट्राइंगल का, ए बी सी दे के रखा हुआ है बेटा, है ना, नाम बिकॉज नाम मेंशन किए हुए ना तो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते इसमें, ये ए ये बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है, दे के रखा है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओवर, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, नाउ सी नेक्स्ट वन। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर प्लेस इज नॉट फिक्स एनी वेयर, इंटीरियर ये हमारा हो गया पॉइंट पी, एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। पॉइंट क्यू मतलब कहीं भी लगा सकते हैं आप, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, मीन्स एक्सटीरियर ऑफ द फिगर होना चाहिए, मतलब फिगर के बाहर होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में हमको दिया है, फिगर दिया हुआ है, ये ए बी सी फिगर है, इस पर अपने को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर देख रखा है, ये ए और डी। आपको इस फिगर में क्या क्या आइडेंटिफाई करना है ये देख लीजिए आप। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स इन फिगर, ये नहीं पूछा है कितने ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ बोला है कि इतने ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करो। अब देखो ए बी सी, ये पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल देख रहा, ये पूरा आप एक ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना बेटा, ये पूरा एक ट्राइंगल है, एक पूरा ट्राइंगल हो गया, है ना। उसी के बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको एक और ट्राइंगल दिखेगा, ये देखो थ्री साइड वाला ए बी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ए डी सी, ये देखो ए डी सी डी और ए सी, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी, वन साइड इज ए डी, वन साइड इज डी सी और वन साइड इज सी ए और ए सी, अंडरस्टैंड। अब इसमें हमको देखे रखा है कि हमको फोर एंगल्स के नाम लिखने हैं। एंगल क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, एंगल के डेफिनेशन होती है कोई भी दो रे एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिलती है ना, उसको बोलते हैं एंगल, मीन्स टू रेज मीट एट अ वन पॉइंट, आप उसको क्या बोलोगे, एंगल बोलोगे। फोर एंगल हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, चार एंगल आप देखिए, चार एंगल आपको समझ में आने चाहिए उसमें, है ना। फर्स्ट इज एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए कल पढ़ चुके हैं, एंगल ए। फिर यहाँ पे ले लीजिए एंगल बी, ठीक है, एंगल सी और एक एंगल डी। क्यों क्यों एंगल ए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है तो ये भी तो एक ट्राइंगल है, तो यहाँ से एक ही अलग एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फाइव लाइन सेगमेंट, कोई भी फाइव लाइन सेगमेंट के, आप आपके हिसाब से कोई भी फाइव लाइन सेगमेंट के नेम इसमें बता सकते हैं, है ना। अब लाइन सेगमेंट देख रखे फाइव, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इजी होता है, ए बी एक हो गया, इससे आगे बढ़ो बी डी दूसरा हो गया, इससे आगे बढ़ो डी सी, ये थर्ड वाला हो गया, इससे हम आगे बढ़ें सी ए और ए सी, बोथ आर करेक्ट, ए सी और एक बता दीजिए ए डी। हमसे कितने पूछे हैं इसमें, फाइव हो गए, ऐसे तो फिर हम बहुत सारे बोल सकते हैं। बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है ना, बी डी भी लाइन सेगमेंट है, बी सी भी लाइन सेगमेंट है। ये देखो अभी हमने क्या लिखा है, बी डी, बी डी पर बी सी भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें फाइव लाइन सेगमेंट है, इसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट है, सिक्स और सेवन अगर आप निकालेंगे तो आराम से पता लगेगा आपको। जैसे कि हमने क्या लिख दिया, बी डी और बी डी बी सी लिख दिया, पर अपन इसको पूरा भी तो लिख सकते ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज ए कॉमन, आप ऐसे दो ट्राइंगल का नाम बताओ जिसमें एंगल जो बी है, एंगल बी कॉमन होना चाहिए, मतलब बी जो एंगल है वो
पहले में भी आना चाहिए, दूसरे में भी आना चाहिए, ऐसे दो ट्रायंगल का नाप हमको बताना है ना। अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ये एक पूरा ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई डाउट? अरे हमने, मैंने आपको बोला ए बी सी, तो ये दिख रहा है। सेम अगर आप यहाँ से, मैं आपको बोल दूँ ट्रायंगल ए बी डी, तो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब अपन बोल सकते हैं एक ट्रायंगल और है ए बी डी, इन दोनों में हमारा एंगल बी और एंगल बी क्या है, कॉमन है। मतलब फर्स्ट इस, अब आप यहाँ पे देखो एक बार स्टार्टिंग से, मैं आपको इसका पूरा एक समरी बता देती हूँ। फर्स्ट हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में एक रफ स्केच बताया ट्रायंगल का, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर हमने दो पॉइंट बनाए, क्वेश्चन में उतना ही पूछा था। उसके बाद सेकेंड वाले में हमने ट्रायंगल, ये फिगर है, कुछ भी नहीं करना है बेटा आपको, सिर्फ फिगर को देखना है और फिगर को देख देख के आंसर लिखना है। ज्योमेट्रिकल पार्ट सिंपल होता है क्योंकि उसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिगर बेस्ड होते हैं ना ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। लाइन सेगमेंट में आपको कल ही बता चुकी थी, इसमें जो एंगल राइट द नेम ऑफ फोर एंगल, एंगल कल ही बताया था, दो रेस कहीं भी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है उसको एंगल बोलते हैं। फाइव लाइन सेगमेंट के नेम लिख रहे थे, लाइन सेगमेंट भी मैंने आपको कल बताया था, लाइन सेगमेंट की क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है एंड और हम उसको बोथ डायरेक्शन से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दो एंगल कॉमन बताने थे, मीन्स एंगल बी आपको कॉमन बताना था, तो यहाँ पे हमारे कोई दो में एंगल भी कॉमन आ गए। इज देयर एनी डाउट?